आपसे मुखातिब हूँ। रात के 8 बजे और 24 तारीख हो गई है नवम्बर की। हम पहले मैं बताता हूँ कि आज हो क्या रहा है। आज ये हो रहा है कि बैरियर टाउन के यहाँ पे जो मैनेजमेंट है, उन्होंने मशवानी जो उनका मेंटेनेंस का हेड है वो, और साथ में MSM की गाड़ी, साथ में प्रोटोकॉल किया, ये लोग यहाँ पे आए। आने के बाद मेरी गैर मौजूदगी के अंदर इन्होंने सबसे पहले मेरा मीटर उतारा ताकि मेरे CCTV बंद हो। उसके आज ये मीटर भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि पीछे यहाँ पे इनका एक्सकेवेटर खड़ा है। इन्होंने यहाँ पे मेरी 70 लाख रुपए की गाड़ी है, उसके साथ साथ खुदाई करके मेरी फैमिली, बच्चे यहाँ पे थे, उन्होंने आवाजें सुनी है कि ये कह रहे हैं इसके अंदर गिरे। तीन बंदों ने मेरे घर में अंदर घुसने की कोशिश की है, जिसकी एविडेंट अब कैमराज बंद करके राइट लेफ्ट आप देखें, सबकी लाइट्स ऑन है यहाँ पे, मेरे सब बंद करवाई इन्होंने। और इसके गवाह जो है, जो हमारे राइट लेफ्ट रिहायशी है, वो भी है। देन इन्होंने बीवी बच्चों को यहाँ से, इन्होंने जो है यहाँ से इनको अगवा करने की कोशिश की, और साथ में इन्होंने ये मेरे घर वालों ने सुना है कि इसकी राइट लेफ्ट सारी एक्सकेवेट करें, ये घर गिरे, और हम ये पोर्ट्रे करेंगे सब जगहों के ऊपर कि जी घर कमजोर था तो वो गिर गया, तो जो बीच में मरे वो मरे। ये काम इन्होंने किया। अब जब इनकी मेंटेनेंस से बात हुई है, हमने सिक्योरिटी MSM की खड़ी की। आप याद रखें कि MSM जो सिक्योरिटी बैरिया ने एक हायर किया है, दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस ऑल एक्सरसाइज। उसके बाद मैंने MSM की गाड़ी हमारे पास वीडियो उनको रोका, यहाँ उनको बुलाया। वो कहते हैं जी हम यहाँ पे कोई एक्शन नहीं ले सकते और हम किसी का नाम नहीं ले सकते। मैंने 15 पे 7 बजे कॉल की, मेरे पास उसका रिकॉर्ड है, 7 बजे मैंने 15 पे कॉल किया। उसके बाद अभी हो गए हैं जनाब 8 हो गए हैं, अब से 10 मिनट पहले वो यहाँ पहुँची, जबकि चौकी यहाँ से सिर्फ 10 मिनट की मुसाफत के ऊपर है। अब जाकर मेंटेनेंस का जो हेड इंचार्ज है फहद, वो कह रहा है जी कि मुझे अब पता चला था कि यहाँ पे कोई ना कोई जो है वो लाइन आपकी ख़राब है। लाइन ख़राब में बहरिया के रेजिडेंट्स, आप इस बात को आप बरमला बताएं, कभी लाइन खराब में कभी इन्होंने मीटर उतारा है किसी का? कभी भी नहीं। कभी किसी पूरी 5 बजे के बाद किसी किस्म का भी मेंटेनेंस का काम नहीं किया जाता। जाहिद साहब खड़े हैं इस टाइम पे, सबके मीटर उतर रहे हैं, एक और मेंबर के घर, ये मेरे साथ जाहिद साहब खड़े हैं। मेरा घर डिफेंस में है, डिफेंस सेक्टर, डिफेंस विला सेक्टर F में, और मेरा हाल वो डिफेंस के अंदर आता है, वो डिफेंस में है, DHA में मेरा अलॉटमेंट लेटर DHA का है। इनकी बदमाशी देखें, बैरिया में तो करके गए, इसके घर DHA में करके आ गए। यही बिल्कुल एग्जैक्टली पूरा डिटो यही कॉपी है, और यही ऐसी एक बड़ी क्रेन थी, 2 डाले थे, कार थी, और मैं बाहर था, मेरी बीवी और बच्ची घर पे अलग है, उनको इन्होंने हैरेस किया। जब उन्होंने मुझे फोन किया मैं पहुंचा हूं, मैंने इनको डिफेंस विला के गेट पे इंटरसेप्ट किया, मैंने इनको ललकारा कि उतरो, मैं खड़ा हूं अकेला, तुम इतने सारे हो, वहां से भागे। हमारे बटरवा के जो प्रेसिडेंट है अखलास मसूद साहब, उनका मैसेज आया है जी कि मेरे घर क्रेन्स आ चुकी हैं, मेरा घर डिमोलिश करने लगे हैं, और बैरिया का सारा स्टाफ यहाँ पे मौजूद है, जिसमें कम से कम 50 से ज्यादा मुलाजिम बैरिया का मौजूद है, बिजली काट दी गई है। ये एक और मेंबर है, ये देख लें, आप फिरौनों के इलाके में रह रहे हैं, आप यजीद के इलाके में रह रहे हैं, ये हालत देख लें, यहाँ पे ये हम नहीं है, ये आप सब हैं, ये देख लें कि ये हालत है कि जिस